पी ए पी इन टॉकिंग अलॉट अबाउट द हील कर्व्स the डिफरेंट शेप्स ऑफ द हील कर्व हमने डिस्कस किया कि हील कर्व्स अपवर्ड स्लोपिंग हो सकते हैं हो सकती है या इन्वर्टेड हील कर्व्स हैं जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट दैट इफ वी लुक एट दिस्टोरिकल डेटा प्रीवियसली जो डिफरेंट मेचोरिटी के ऊपर हील्स को अकाउंट फॉर करके यील्ड कर्व्स बनाए हैं रियल डेटा की बेसिस के ऊपर अगर हम उसको देखें तो हमें ये जो हमने थेरेटिकली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व्स पढ़े हैं डिस्कस किए हैं आपको वो रियल लाइफ डेटा में उसी किस्म के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं तो फॉर एन रिलास्टेशन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक सम कर्व्स दैट आर डेवलप्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट the real-time financial data from 1980 to 2017 and these yield curves were drawn or calculated at different time periods and you can see that there are yield curves that will be sloping downwards horizontal straight lines or they will be moving upwards sharp movement ko upward or gradual movement so, this is an interesting phenomenon that I'm going to show you with the help of the real data, that, the graphs that are developed by taking into account the real life data set. So, in this graph, you can see that the terms to maturity in years have been taken along the horizontal axis, whereas the interest rates or the yields have been taken along the vertical axis. Yaha, you a क्योंकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की जील्स को अकाउंट फॉर करने के लिए हमने इस ग्राफ में देख सकते हैं कि पहले जो एक साल दो साल तीन साल चार साल में एक एक साल का गैप लिया हुआ है लेकिन उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म मचॉरिटी के बॉन्ड्स का यील्ड किस तरह से मूव कर रहा है उसको देखने के लिए हमने यहाँ पे जो टाइम पीरियड का गैप है वो पाँच साल का कर दिया है कि पाँच साल और उससे दस साल फिर पंद्रह साल और फिर बीस साल में मेच्योर होने वाले बॉन्ड्स को अकाउंट फॉर किया गया और उनकी यील्ड्स को अकाउंट फॉर किया गया यील्ड्स का मतलब है उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली लोगों को मिला है मार्केट में किस तरह से वो मुतयन हुआ था और किस तरह जो उनकी एक्चुअल वैल्यूज थे तो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू इज़ द हील्ड कर्व दैट वॉज एस्टिमेटेड बाई टेकिंग द प्रीवियस डेटा ऑन जनवरी फिफ्टींथ नाइनटीन एटी वन इसमें आप देख सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म ईयर्स हैं वो डाउनवर्ड जा रहे हैं इसी तरह से अगर हम लॉन्ग टर्म के ऊपर देखेंगे वहां भी ये ग्रेजुअली थोड़ा सा आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है बहुत शार्प तो नहीं है लेकिन ये डाउनवर्ड मूवमेंट है तो वी कैन से दैट राइट ओवर हेयर बेस्ड अपॉन दिस फर्स्ट लाइन ये जो मैंने आपको अभी हाईलाइट करी है आप देख सकते हैं कि रियल लाइफ डेटा के अंदर आपको डाउनवर्ड मूविंग हील कर्व नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि 1981 में जो इन्वेस्टर हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्यूचर में जो शॉर्ट टर्म हील्स हैं दे आर गोइंग टू फॉल हेंस वी हैव ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ बिहेवियर and this verifies or validates the presence of inverted yield curves or hua kya 1981 january 15 mein jab ye yield curve develop hui uske fauran baad it was observed ki actually jo short term bonds ki return thi और जो long term bond ke return थे, वो काफी बड़े significant change के साथ fall किए. so this this kind of like

movement nazar so it means that it confirms this particular statement that people expect that in future short-term yield or long-term bonds key yield hai, that will be that will rise so we observe this kind of a behavior in the yield curve that was calculated on the march 28 1985 similarly मार्च मेन 16 1980 के के कॉरेस्पॉन्डिंग भी जो हीलक है वो भी आपको अपवर्ड स्लोपिंग नज़र आ रहा है फिर 1997 मार्च थर्ड के ऊपर हमें अगैन अपवर्ड स्लोपिंग ही नज़र आ रहा है और फिर 2006 की हील कर्व जो है दैट इज़ शोइंग यू अ ग्रेजुअल राइज और फिर वो जाके कांस्टेंट हो जाती है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाती है और फिर एक और मिसाल आपके सामने है विच इज़ द यील्ड कर्व फॉर जनवरी 15 2009 इन विच अगेन यू कैन सी दैट देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट सो बेस्ड अपॉन दीज डिफरेंट यील्ड कर्व्स बेस्ड अपॉन द रियल टाइम डेटा स्पैनिंग नाइनटीन टू 2017 वी कैन से दैट वो जो हमने तीन फैक्ट्स पहले डिस्कस किए थे उनमें से वो वो चीज़ें वैलिडेट होने हो रही हैं कि आपको शॉर्ट टर्म यील्ड्स और लॉन्ग टर्म यील्ड्स में मोरोलेस एक ही तरह का बिहेवियर देखने को मिल रहा है फैक्ट नंबर वन दैट दे मूव इन द इन ऑलमोस्ट द सेम डायरेक्शन फिर फैक्ट नंबर टू हमने डिस्कस किया था वो अभी यहाँ बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लिसिटली नजर नहीं आ रहा लेकिन फैक्ट नंबर थ्री कह रहा था कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हम अपवर्ड मूविंग यील्ड कर्व्स देखते हैं तो हमारे पास यहाँ डेटा है 1980 से लेकर 2017 तक के यील्ड कर्व्स का यू कैन सी दैट With, a, with an exception of the first one, first yield curve, which January 15, 1981, ke corresponding to that, downward or inverted. of the yield curves are horizontal and upward moving. Hai. So, we can say that this fact 3 is being validated based upon this particular graph that is drawn by considering by taking into account the real time data sets.